कन भी एक शक्ति है ते परमात्मा नूं पूरे दा पूरा सुनना कठिन औखा है। मन भी एक शक्ति है पर परमात्मा नूं पूरे दा पूरा समझना बहुत औखा है कठिन है। तो फिर की करिए, किस तरह करिए? परमात्मा होण दा एक मौका मिलिया है हर एक नूं, और वो हर एक है। सिर्फ मनुख पशु नहीं, वनस्पति नहीं, पत्थर नहीं। पत्थर दी मूर्ति घड़ के राम वर्गी बना सकते हैं पर पत्थर राम नहीं है। पत्थर नु घड़ के श्री कृष्ण वर्गा बना सकते हैं पर पत्थर फिर भी कृष्ण नहीं है, कृष्ण कृष्ण है। ये भी मैं अर्ज करती हूं। हां, मैं ऐसा जरूर कह सकता हर पत्थर का भविष्य राम होना है, आज नहीं समा पाके होवेगा। हर पत्थर का भविष्य है श्री कृष्ण होना, हर पत्थर का भविष्य है परमात्मा होना। लंबी यात्रा है, अजय बड़ा लंबा पैंडा है, भविष्य है हर पत्थर का परमात्मा होना। पर पत्थर वनस्पति बनेगा, वनस्पति पशु पक्षी बनेगी, ते पशु पक्षी मनुख बन गए ने, ते मनुख नु एक मौका मिले है। यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। मनुख एक मौका है कि परमात्मा होण दा, मनुख एक अवसर है कि ईश्वर होण दा। पर मनुख दे च दोवें संभावनावां छुपियां पईयां ने। जैसे पत्थर अगे गया ते वनस्पति, वनस्पति अगे गई ते पशु पक्षी, पशु पक्षी अगे गए ते मनुख। पर मनुख विच खतरा भी है कि अगे गया ते भगवान हर वर्गा होवेगा, पिछे गया ते शैतान वर्गा हो जाएगा, ये पिछे भी मुड़ सकता है। और जद मनुख पशु बनता है तो रूहे जमीन ते कोई पशु इतना खतरनाक नहीं आता जितना मनुख खतरनाक होता है। एक सप जे किसी नूं डंग भी मारेगा तो दो तीन बंदियां नूं कटेगा, जहर खत्म हो जाती है। 2.5 करोड़ बंदियां नूं मार के भी हिटलर दा हिरदा शांत नहीं होया। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के भी मौसे तुंग नूं चैन नहीं मिलिया। हलाकू ते चंगेज खां बस्तियां उजाड़ के लंघदे सन। मनुख जद पशु बनता है तो बहुत खतरनाक, कोई पशु मनुखता लई इतना खतरनाक नहीं जितना ओ मनुख खतरनाक है जो पशु हो गया। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये भगवान वर्गा हो सके तो की करना पड़ेगा, पूरा जाग जाए भगवान वर्गा। अगर ये बहुत हिस्सा इसका सुत्ता होया तो बहुत कुछ पशु है, थोड़ा जहा मनुष्य है। मनुख थोड़ा जहा मनुख है, बहुता पशु है। जितना जितना जागदा जाएगा मनुख होंदा जाएगा। इस वास्ते कईयां नूं असीं कह देंदे आ, ऐ मनुख तो मनुख बन। कदी सानू कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, ऐ कुत्ते तू कुत्ता बन, ऐ गऊ तू गऊ बन, ऐ खोते तू खोता बन। खोता खोता है, कुत्ता ते कुत्ता है, गऊ ते गऊ है। सानू आखण दी लोड़ नहीं पैंदी, ऐ शेर तू शेर बन, ऐ घोड़ा तू घोड़ा बन। पर रोज कहना पैंदा है, ऐ बंदे तू बंदा बन, मनुख तो मनुख बन। कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता है, घोड़ा अंदरों बाहरों घोड़ा है, मनुख मनुख दिखाई दे रहे हैं, अंदरों ते पशु है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये जद पूरन मनुख होना है, पूरन पुरख, ते फिर भगवान का रूप हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, मेरा रूप हो गया खालसा, मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। पर केड़ा पूरन जोत जगे घट में, तब खालस ताहिन खालस जाने। के पूरी जोत जग जाए, जप ने ही मनुख नु भगवान बना देना। जवान जपे वाहे गुरु वाहे गुरु, मन सुने। अक्सर दास बयान करता हूं, मन नहीं सुनता। क्यों? मनुख दा ए मन रहिंदा है भविष्य की चिंता दे, भूतकाल दियां यादां दे। ए
ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। वर्तमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होंदे रवांगे, जमदे रवांगे, मरदे रवांगे, जम जम मरे, मरे फिर जमे। बहुत सजाए पया इस लंबे लंबा सिलसिला, कि पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करके असी इत्थे तक पहुंचे हैं। तो भूत काल भी बड़ा लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है, वर्तमान बड़ा छोटा है। भगवान की झलक मिलती है वर्तमान दे, और वर्तमान दे जो टिक गया मनुख भगवान का रूप हो जाता है। कि वर्तमान कितना है, गुरबाणी के कथन अनुसार एकदम, कबीर के कथन अनुसार एकदम, यही वर्तमान है। जो दम चला गया ये भूतकाल, जो दम आया नहीं ये अजे भविष्य। मनुख जीवदा है गुजरे हुए दमां की याद दे, मनुख जीवदा है आन वाले दमां दी चिंता दे। मनुख जिथे भी बैठा होगा उदा मत्था उदी अखां वेख के कह सकते हो या ते गुजरे हुए दमां दी यादां दे बैठा है या आन वाले दमां दी चिंता दे बैठा है। अगर वर्तमान दे आ जाए तो समाधि लग जाएगी, भगवान का रूप हो जाएगा। तो वर्तमान की है एकदम, जो दम अजे आया ही नहीं होते भविष्य है, भविष्य हाथ देच नहीं है। जो दम चला गया है होते भूतकाल है, भूतकाल भी हाथ देच नहीं। नकद की है वर्तमान, वर्तमान कितना है एकदम, यकदम। भाई साहब भाई नंदलाल कहते हैं यकदम, एक नो फारसी च यक कहते हैं कि यकदम बखेश रा न बुरदम के खीसतम ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। भगत कबीर भी कहने टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। एक दम देच किधरे टिक जाए ते तो खुदा है, गुजरे हुए दमा ते सारे ही जीवदे ने, आने वाले दमा देच ते सारे ही जीवदे ने। पर जेड़ा दम नकद है एक दम, उहदे च कोई टिक जाए ते मनुख रब दा रूप। हुण एक दम देच आने की कोशिश करना, मनुख दा मन एक दम देच नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। एक दम देच आन दा, वर्तमान देच आन दा जो ढंग है जब, इस वास्ते वाहेगुरु एक दम देच पूरा हो जाता है। जितना एक दम है इतना ही वाहेगुरु दा शब्द, वाहेगुरु एक दम, ओम एक दम, राम एक दम, अल्लाह एक दम। मैं इन्हां मंत्रां नूं बहुत गौर नाल देखे, एक दम देच पूरे हो जाते। कुछ मंत्र नाभी ते बहुत गहरी चोट करते हैं, और मैं इस वास्ते नहीं कहता कि गुरु नानक ने वाहेगुरु आख्या उन्होंने ने चरणामत दे के जिन्होंने दीक्षित किया जाता सी ते कहा जाता सी ये जप, इस करके नहीं कह रहा कि मेरा जन्म गुरु नानक के घराने च है, इस करके नहीं कह रहा, तजर्बे की बिना ते कह रहा। और ये मेरे तजर्बे च ना होंदा तो यकीन जानो मैं नहीं कहना सी। सारे मंत्रां दी शक्ति है, सारे मंत्र मनुख नूं भगवान दा रूप बना देने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सारे नामां तो सदके जाने हां, गुरु नानक सारे नामां तो कुर्बान जांदे ने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे ही नाम ने। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, हुक्मन गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने नहीं आख्या वाहेगुरु जपो, फिर ये ग्रंथ सांझे नहीं रहिंदे सन। क्योंकि कबीर जपदे रहे सतनाम, नामदेव जपदे रहे विठल विठल, जय देव जपदे रहे गोबिंद गोबिंद, रामानंद परमानंद जपदे रहे राम राम, फरीद जपदा रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जे गुरु नानक कह देंदे यही मंत्र ते यही जपो, तो फिर फरीद कितने, उन्होंने थां मिलनी सी, फिर कबीर कितने जाते, फिर नामदेव कितने जाते, फिर गोविंद जपण वाला जयदेव कितने जाता।
अल्लाह हो जप जप के फरीद जिथे पहुंचा है, गोविंद जप जप के जयदेव भी उथे ही पहुंचे। राम राम जप के उथे ही पहुंचे ने, रामानंद परमानंद सतनाम का जप करके कबीर भी उथे ही पहुंचे। पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो, और कबूल करनी पै जाती है। पुराने जमाने च मनुख पैदल चलता सी, फिर पैदल वाट बहुत तय नहीं आती सी, ते पशुओं का इस्तेमाल होया, घोड़े बल्द उठ उन्हां ते बैठना ते उन्हां नूं दौड़ा के पेंडा मुकाना। फिर साइंस का युग होया, साइकिल आई, मोटर कार आई, रेलगड्डियां आईया, ते फिर हुण आवाज तो भी तिखे चलण वाले हवाई जहाज। सालां दे च पेंडा मुकण वाला घंटियां च मुकदा है। अज 24 घंटे च मनुख पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर रहा है, पर पहले तो ऐसा नहीं सी। हैं कुछ ऐसे मंत्र, उन्हां दा चलना इंज है जिवें कोई पैदल चलना है। हैं ऐसे कुछ मंत्र, इधर हवाई जहाज ते बैठे ते इधर पहुंच गए, उन्हां मंत्रां दे च मंत्र है वाहे गुरु वाहे गुरु। पैदल चल के भी मनुख पेंडे ते पहुंचदा है, घोड़े भी पहुंचा देंदे ने, मोटरां भी पहुंचा देंदियां ने, रेल गड्डियां भी पहुंचा देंदियां ने मंजिल ते, हवाई जहाज भी पहुंचा देंदे ने। पर जिंदगी बहुत छोटी है कि सुस्ती नाल चले ते हो सकदा जिंदगी मुक गई ते ठिकाने ते ना पहुंची। इस वास्ते गुरु नानक ने देखिया मसरूफ जिंदगी है। अगां चल के सतगुरु नूं दिस पिया बड़ी मसरूफ जिंदगी, क्यों? लोड़ां वध गईयां। पहले इतनियां लोड़ां नहीं सन, ते जद लोड़ां वध गईयां तो मसरूफियत वध गई। तो मसरूफियत जद वध गई तो पुराने जमाने की तरह अद्धी जिंदगी तीर्थां दे रटन करदियां लंघा दिओ, हवन यज्ञ करदे लंघा दो, तरह तरह के कर्म कांड करदे लंघा दो। जिंदगी बड़ी मसरूफ है। मैं देखदा मुसलमान इस कर्म कांड की पालना करता है, पांच वक्त की नमाज, कम धंधे च पांच वक्त कढ़ना, कुछ मामूली खेड नहीं है, बहुत वड्डी खेड। सतगुरु कहिंदे ने एकदम दे च खेड बन सकती, एकदम एक दफा वाहेगुरु आखदियां तुसीं वाहेगुरु दा रूप हो सकदे हो। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा है। इधर जबान ने आख्या वाहेगुरु, इधर मन ने भविष्य की चिंता नु एक पासे रख के, ते भूतकाल दियां यादां नु एक पासे रख के, पूरी कागरता ने नाल सुनिया वाहेगुरु नु, ते मन जोत स्वरूप हो गया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण।